नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। शिव गंगा क्या है साथियों? हमारे धर्म और संस्कृति में गंगा मैया, गंगा जल तथा शिव गंगा का महत्व अत्यधिक है। गंगा जल केवल जल ना होकर इसमें अनेक विशेष गुण पाए जाते हैं। हमारी संस्कृति में यह कहावत है कि जीवन में जरूर एक बार कम से कम गंगा में नहाना चाहिए। यह केवल अंधश्रद्धा नहीं है, यह तो चुकोटी की आत्मीय श्रद्धा है। भगीरथ राजा ने बड़े प्रयत्नों से गंगा मैया को स्वर्ग से धरती पर मानव कल्याण हेतु लाए, जिसको प्रत्यक्ष शिवजी ने अपनी जटाओं में स्थान दिया है। इसीलिए यह शिव गंगा बन गई। यह जीवन दायिनी है और शिव ने हिमालय में गंगा मैया को धारण किया है, इसीलिए इसको शिव गंगा कहते हैं। यह केवल नदी या नदी का जल नहीं है, अपितु यह माँ स्वरूप है, हमारी मैया है। अजय कुमार पांडे जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संपूर्ण विश्वोद्धार का बड़ा सपना देखकर शिव गंगा प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी रजिस्टर की है, जो गंगा की तरह धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में फैलकर विश्व व्यापक बनेगी और संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए माँ गंगा की तरह वरदान साबित होगी, ऐसा विश्वास है। शिवजी का वरदहस्त और माँ गंगा का वरदान, इसीलिए वह कंपनी शिव गंगा नाम से पहचानी जा रही है। अजय कुमार पांडे जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संपूर्ण विश्वोद्धार का बड़ा सपना देखकर शिवगंगा प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर की है, जो गंगा की तरह धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में फैलकर विश्व व्यापक बनेगी और संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए माँ गंगा की तरह वरदान साबित होगी, ऐसा विश्वास है। शिवजी का वरदहस्त और माँ गंगा का वरदान, इसलिए यह कंपनी शिव गंगा नाम से पहचानी जा रही है। हर हर बोले, हर हर गंगे। गंगा, जिसे बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है, कहा जाता है मात्र गंगा स्नान से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए मनुष्य अपने जीवन में एक बार गंगा स्नान जरूर करता है। शास्त्रों में भी गंगा को देव नदी कहा गया है। पुराणों में गंगा की उत्पत्ति के बारे में अनेक मान्यताएं भी प्रसिद्ध हैं। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल का जल गंगा नामक युवती के रूप में प्रकट हुआ था। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्रित कर लिया। तीसरी मान्यता के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना की पुत्री हैं। इस प्रकार गंगा जी देवी पार्वती की बहन भी हैं। प्रत्येक मान्यता में ये अवश्य आता है कि गंगा जी का पालन पोषण स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संरक्षण में हुआ। इस नदी को पृथ्वी पर लाने का काम महाराज भागीरथ ने किया था। इसे भगवान शिव अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे श्री हरि के चरणों से गंगा शिव जी की जटाओं में क्यों और कैसे विराजमान हुई। तो आइए जानते हैं इस प्रचलित कथा के बारे में। भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। मान्यता के अनुसार उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी, क्योंकि गंगा का जल इतना पवित्र होता है, जो भी इसे ग्रहण कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा माता को पृथ्वी पर लाने हेतु भागीरथ ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उनकी कठोर तपस्या देखकर गंगा माँ प्रसन्न हुई और भागीरथ के सक्षम प्रकट हुई। लेकिन उन्होंने पृथ्वी पर आने से पहले भागीरथ को सावधान किया कि मैं जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आऊंगी तो पृथ्वी से मेरा वेग सहन नहीं होगा, मेरे तेज बहाव से सारी धरती नष्ट हो जाएगी और मैं रसातल में चली जाऊंगी। गंगा को ये अभिमान था कि कोई उनका वेग सहन नहीं कर सकता। ये सुनकर भागीरथ सोच में पड़ गए, लेकिन वो जानते थे महादेव उनकी मदद अवश्य करेंगे। तब उन्होंने भोलेनाथ की उपासना शुरू कर दी। संसार के दुखों को हरने वाले शिव शंभु उनकी उपासना से प्रसन्न हो गए और भागीरथ से वर मांगने को कहा। भागीरथ ने अपना सब मनोरथ उनसे कह दिया। शिवजी ने भागीरथ को तथास्तु कह उनकी प्रार्थना स्वीकार की। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, गंगा का गर्व दूर करने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में कैद कर लिया। वह छटपटाने लगी और शिव से माफी मांगी। तब शिव ने उन्हें जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया।
जहां से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN News।